नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी बनाई है मैंने वो एकदम हटके अलग टाइप से बनाई है और वो है चने की रेसिपी। आज बनाए हैं चने, काले चने के पराठे। और इसके लिए मैंने रात में ही चने भिगो दिए थे और उनको सुबह मैंने कुकर में डाल के 3-4 कली लहसुन और 1 इंच अदरक का डाल के और थोड़ा पानी उसमें डाला है उबालने के लिए, और इसको ढक्कन लगा के गैस पर रख दिया। 4 सीटी उसमें ले ली और अब ये पक चुके हैं चने। मैंने दबाकर उनको देखा है तो आराम से गल गए हैं चने पूरे। ये देखिए, इस तरह से चने को पूरा पका लेना है। अब इनको हम पानी से अलग करके मिक्सर ग्राइंडर में मसाला बनाने के लिए पीस लेंगे। तो उसके लिए पानी नहीं लेना है, खाली चने चने ही ग्राइंडर में डालने हैं हमें जार में। और इसमें जो लहसुन और अदरक डाला था वो भी साथ में ही पीसना है। और इसके लिए मैंने इस चटपटा बनाने के लिए 2 हरी मिर्च ली है, उनको भी काट के डाल दिया है। आपको ज़्यादा चटपटा चाहिए तो और मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और फिर मैंने डाला हरा धनिया, जो कि बहुत ज़रूरी है खुशबू और इनहेंस और टेस्ट के लिए। और इसमें साथ में और भी सब्जियां आप ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने ले ली है कैप्सिकम, तो मैं 1 कैप्सिकम बारीक काट के इसमें डाल दूंगी। और 1 प्याज लिया मैंने बारीक काट के, वो भी डाल दिया। और हरे प्याज मेरे पास रखे हुए थे तो वो भी मैंने, प्याज के पत्ते भी बारीक करके इसमें डाले हैं। और भी आप सब्जियां ऐड कर सकते हैं। सब्जियां इसमें बारीक ही कटेगी एकदम फ्रेंड्स। और ये जो चना पीस के मैंने बॉल में निकाल लिया है, और अब इसमें और मसाले थोड़े ऐड कर लेंगे हम, जो बारीक सब्जियां काटी थी वो हम डालेंगे। प्याज डाल दिया इसमें, ये है शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, और ये है हरा धनिया, ये भी मैंने बारीक बारीक काटा है। और ये स्प्रिंग अनियन के पत्ते हैं, वो भी मैंने बारीक काट लिए और डाल दिए इसमें। और ये सब जो भी हम वेजिटेबल इसमें डाल रहे हैं बहुत टेस्ट को इनहेंस करेंगे पराठे के। बॉल छोटा था तो मैंने उसको दूसरे बड़े वाले बॉल में ट्रांसफर कर लिया, और अब अच्छे से मिक्स करने में आसानी रहेगी मसाले को। तो इसमें डाली है मैंने 1/2 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा काला नमक डाला है, और थोड़ी सी काली मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, और 1/2 चम्मच मैंने आमचूर पाउडर डाला है। आपके पास चाट मसाला हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। और फिर स्वादानुसार मैंने नमक डाला है, क्योंकि उसमें काला नमक भी डाला है तो फिर टेस्ट के अनुसार अपना नमक डाले। और फिर सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और छोटे छोटे मैंने इसके टिकिया के शेप में गोले बना के रख लिए एक साथ। तो आप चाहे तो इस तरह टिकिया भी बना सकते हैं काले चने की, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा ट्विस्ट किया आज। और टिकिया तो पहले भी खाई है काफी, लेकिन इस बार मैंने इसके पराठे बना लिए हैं, तो वो भी बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और उसके लिए मैंने आटा गूंदा पराठे बनाने के लिए, तो वो सिंपल जैसे पराठे का आटा गूंदते हैं थोड़ा सॉफ्ट, उस तरह का आटा गूंदा है। और थोड़ा छोटे शेप में उसको एक लोई को बेल के उसके अंदर एक टिकिया मसाले की भर दी है मैंने, उसमें चारों तरफ से पैक बंद कर दिया है अच्छे से। और अभी हल्के हाथ से इसको बेलन से बेल लेंगे पराठे को।
और तवा इधर गरम हो गया तो थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल के तवे पर और पराठा डाल दिया। इसको दोनों साइड से हम तेल लगा के, या आप घी भी लगा सकते हैं, दोनों साइड से पलट 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 के हम सुनहरा सेक लेंगे इसको। इसी तरह हम टिकिया भी, जो देखी आपने टिकिया की शेप के मसाला जो देखा, उस टिकिया को भी हम तवे पर ही थोड़ा कम तेल में हम सेक सकते हैं उनको भी। तो ये पराठा अच्छा गोल्डन कलर का फ्राई होके तैयार हो गया और बहुत ही अच्छा पराठा बना है। एकदम मसाला भी एकदम खिला खिला अंदर से है, देखिए। और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगेगा फ्रेंड्स। मैंने हरे धनिया की चटनी बनाई है इसके साथ, और आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कैसा लगा आपको काले चने का पराठा। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।